पानी हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, आकाश हो गया, अग्नि। तो अग्नि तत्वों के लिए हम क्या करते हैं, सूर्य चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, संबात। और संबात के लिए हमारे पास दो तीन टेक्निक हैं जो हमने विकसित किए हैं। एक तो जो है ये हमारा विशेष रूप से खोज है, रिसर्च है, जिसको हमने नाम दिया है ग्रीन हाउस थर्मोलियम। मात्र 100-125 के सामान में आप शरीर का जो है तीन प्रकार से जो है ग्रीन हाउस थर्मोलियम के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्टीम बाथ ले सकते हैं। स्टीम बाथ प्लस सावना बाथ और प्लस सन बाथ, इन तीनों का मिश्रण हमने कर दिया है। कितने में? 100 से 150 रुपए के इंस्ट्रूमेंट से। और 100 से 150 रुपए इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो प्लास्टिक की थैली। प्लास्टिक मिलता है ना आपके जो है मार्केट में, तो करीब 7 मीटर की प्लास्टिक ले लीजिए। और उस प्लास्टिक के अंदर क्या करेंगे कि पूरा पैर से लेकर सिर तक अच्छी तरह से ढक देंगे और धूप में उसको हम रोगी को लिटा देते हैं। तो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी सूर्य की किरणें अंदर जाती हैं और अंदर जाकर के फिर वो तापमान जो बढ़ते, तीन लेवल पर उसमें जो है रिएक्शन होता है। पहला होता है न्यूट्रल इफेक्ट, फिर थर्मल इफेक्ट, फिर डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट। न्यूट्रल इफेक्ट ये होता है कि शरीर का तापमान और अंदर का तापमान एक बराबर होता है। फिर क्या होता है कि उसमें से बाहर निकल नहीं पाता है तापमान, ग्रीन हाउस इसी को बोलते हैं, कि हमारा जो है शरीर क्या हो जाता है उस समय, ग्रीन हाउस इफेक्ट से प्रभावित होने लगता है। तो उसे क्या होता है, धीरे धीरे शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, थर्मल इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। थर्मल इफेक्ट से क्या होता है, स्वीटिंग इफेक्ट होता है, पसीना निकलना, जो स्वीट ग्लैंड्स हैं वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और शरीर से जितनी भी गंदगी है, शरीर से जितनी भी कचरा है, वो सारा पसीने के रूप में डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट होता है, शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। करीब ये 15 से 20 मिनट देते हैं हम, और 15 से 20 मिनट के बाद फिर जो है रोगी को स्नान करा देते हैं। देते समय हमें सावधान रहना चाहिए, ये घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं, जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, जो लोग आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं, पैरालिसिस से ग्रस्त हैं, जितने भी इस प्रकार के हड्डी संबंधी मांसपेशियों संबंधी बीमारी है उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इसमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि लेने के पहले एक तो 1-2 गिलास पानी अवश्य पी लें, ताकि वो पसीना निकलता है तो शरीर डिहाइड्रेट नहीं हो, रिहाइड्रेट रहे। दूसरा, सिर पर गीला तौलिया रखना बहुत जरूरी है, और आराम से 15-20 मिनट एक आदमी वहां पास में रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। सिर को मत ढकिएगा, नहीं तो फिर जीवन जो है खत्म भी हो सकता है। सिर को नहीं प्लास्टिक से ढकना है, यह ध्यान रखना है। हमेशा गर्दन तक ये पूरा यहां तक ढका होना चाहिए और मुंह खुला हुआ होना चाहिए। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस थर्मोलियम, इसको हमने नाम दिया है। उसी प्रकार से कलर थर्मोलियम, कलर थर्मोलियम होता है। कलर थर्मोलियम में सूर्य चिकित्सा के अंदर पैर के नीचे, एक अपने यहां कहावत है कि पैर गर्म पेट नरम सिर ठंडा, ये बहुत प्राचीन कहावत है। तो ये पैर को गर्म करने के लिए नीचे हम क्या करते हैं, आपके लाल रंग जो है कांच ग्लास, फिर पेट नरम, पेट नरम के लिए उसे ग्रीन या ब्लू रंग का जो है, फिर छाती पर हम येलो कलर का, और फिर सिर ठंडा के लिए ब्लू ग्रीन या बैंगनी रंग का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस सिद्धांत पर जो है हमारा कलर थर्मोलियम जो है काम ले। फिर पसीना होता है, रोगी धूप में रहता है, और फिर उसके बाद उस रोगी को क्या करते हैं, स्नान करा देते हैं, रेस्ट कराते हैं। क्योंकि ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक स्नान के बाद जितने भी गर्म उपचार है, उस गर्म उपचार के बाद हमें रेस्ट अवश्य करना चाहिए। क्योंकि गर्म उपचार के बाद जो है शरीर के अंदर जो है ना, उसके बाद रेस्ट करने से रिकवरी बहुत शानदार ढंग से होती है, हीलिंग क्रिया एक्टिवेट हो जाने से हीलिंग क्रिया बहुत अच्छी तरह से होती है। तो जितने भी हमारे गर्म उपचार हैं, जैसे स्टीम बाथ है, स्टीम बाथ में भी वही ध्यान रखना चाहिए कि पानी पहले पिला दें, सिर पर गीला तौलिया रखें, और फिर उसके बाद ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ठंडे पानी से स्नान करना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, जिससे हमारा रोग से लड़ने की क्षमता जो है सशक्त होता है, हमारा इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस तेज होता है। और जब भी स्नान करें तो कोशिश करना चाहिए कि ठंडे पानी से स्नान करें, लेकिन उसमें ध्यान रखेंगे यदि आप लगातार गर्म पानी से स्नान करते रहे हैं और अचानक ठंडे पानी से स्नान करेंगे तो हो सकता है कि हीलिंग क्राइसिस हो। तो इसलिए जो है ठंडा अचानक नहीं करें, जिनको आदत है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनको आदत नहीं है उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसलिए धीरे धीरे उसे गर्म पानी से स्नान करें, फिर लीक वार्म करें, फिर धीरे धीरे ठंडा
पानी से स्नान करें तो फिर कोई समस्या नहीं होती। ठंडे पानी से स्नान करने पर बड़ा अच्छा मास्को यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि उन्होंने गर्म पानी में स्नान कराया, फिर गर्म ठंडा स्नान कराया, फिर ठंडा स्नान कराया, तो गर्म पानी में स्नान करने से हमारा जो डीएनए डैमेज होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठंडे गर्म ठंडे करने से थोड़ा उससे कम, लेकिन ठंडे पानी स्नान करने के बल्कि डैमेज नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो है बचाव होता है ठंडे पानी से स्नान करने से, लेकिन अपनी वाइटिलिटी को, अपने एज को, अपनी उम्र को ध्यान में रखना चाहिए, अपनी क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं अचानक आप ठंडे पानी से ये सुन करके आपने करने लग गए तो फिर आपकी समस्या हो सकती है। जैसे हृदय रोगी है, ब्लड प्रेशर का रोगी है, यदि अचानक ठंडे पानी से स्नान करेगा, उसकी आदत नहीं है, तो हार्ट के लिए खतरा पैदा हो सकता है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी प्रकार से जो है जल चिकित्सा में जब हम कटीय स्नान लेते हैं तो कटीय स्नान लेते समय भी हमें सावधान रहना चाहिए कि सिर्फ हमारा ये हिस्सा और ये हिस्सा पानी में भीगा रहे और कोई भी हिस्सा ना भीगे, और पेट को, जैसे हमारे पेट की बनावट है, जैसे ये हमारा ऊपर यानी असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है, तो इस प्रकार से जो है अच्छी तरह से रगड़ते रहना चाहिए ताकि आंतों की जो प्रिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो पेंडुलम मूवमेंट है, जो आपके वर्मीफॉर्म मूवमेंट है, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन है, वो अच्छी तरह से जो है वह जो है हमारा पेट की जो गति है वो सुसंचालित होती रहे और पेट की सफाई भी अच्छी होती है, पेट संबंधी समस्त बीमारियों के लिए सूजन है, दर्द है, पीड़ा है, सब में जो है लाभ करता है। चाहे रेटिकुलाइटिस है, अल्सर है, कोलाइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, इन सब में कटी स्नान, गर्म ठंडा कटी स्नान बहुत उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी होता है इसको, लेकिन अभी एक दिन करने से नहीं होता है, उसका बराबर प्रयोग करते रहना चाहिए। उसी प्रकार से जब भी रीढ़ स्नान लें, स्पाइनल बाथ लें, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो यहां से सर्वाइकल से लेकर के और नीचे कोस्टिजियल डिजन तक उसे भरपूर पानी के संपर्क में रहे, क्योंकि इनसे निकलने वाले जो नर्व्स हैं पूरे हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें एक्टिवेट करना होता है। अब जैसे रीढ़ स्नान है, रीढ़ स्नान का हम प्रयोग खास करके साइकोसोमेटिक डिजीज में बहुत अच्छा रहता है, हिस्ट्रिया है, साइकोनिरोसिस है, ओसीडी है, तो ये जो साइकोसोमेटिक है, साइकोनिरोटिक है, उन सब में और न्यूरोटिक में, न्यूरोसिस बीमारियों में इनका जो है बहुत बड़ी महत्ता है, रीढ़ स्नान का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से हम इमर्शन बाथ देते हैं, इमर्शन बाथ खास करके जो है आपके जो साइकिक रोगी होते हैं, मानसिक बीमारी होते हैं, उन मानसिक बीमारों को जो है ये इसका बड़ा उपयोग होता है, तो उसका हम उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है अर्थराइटिस है, पैरालिसिस है, दर्द है, मस्कुलर डिजीज संबंधी, उसमें जो है काफी लाभ मिलता है, तो उसको अंडर वाटर मसाज के साथ जो है उसका प्रयोग करते हैं पानी के अंदर ही, और उसमें उसे और थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए उस पानी में क्या करते हैं कि 2-3 चम्मच जो है मैग्नीशियम सल्फेट, 2-3 चम्मच नमक सोडियम क्लोराइड और 2-3 चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट, ये मिला देते हैं तो पानी क्या हो जाता है, बिल्कुल मिनरल्स बन जाता है, और मिनरल झरने का जैसे पानी होता है, उस झरने के पानी की तरह जो है हम जब उससे जो अंडर वाटर मसाज देते हैं तो आयनिक एक्सचेंज के कारण जो स्पाज्म वगैरह होता है, जो दर्द वगैरह होता है, वो दर्द में काफी राहत मिल जाती है। तो ये जो है इस प्रकार से जो है अलग अलग चिकित्सा का हम प्रयोग करते हैं, कटी स्नान है, रीढ़ स्नान है, गर्म ठंडा सेक, ये बहुत ही अद्भुत है, ये एक प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत ही सीधा सरल अद्वितीय अनुपम जो है टेक्निक है, जो कहीं भी किसी प्रकार का दर्द होता है, पीड़ा होता है, जलन होती है, उसे जो है निवटने का जो है, क्योंकि कहीं भी पीड़ा होती है, कहीं भी दर्द होता है, उसका सीधा सा निदान है कि भाई वहां पर फ्लो डिस्टर्ब हो गया है। वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो, जहां फ्लो होगा वहां ग्लो होगा, फ्लो डिस्टर्ब हो गया ग्लो गायब हो जाता है, वो चाहे ग्लो आपके जो है आप तेज कहो, स्वास्थ्य कहो, सुख कहो, शांति कहो, ये ग्लो है। तो ग्लो को ठीक करने के लिए, ग्लो सही करने के लिए, ग्लो आपका बिल्कुल बढ़िया रहे, उसके लिए जरूरी है कि भाई वहां फ्लो सही हो। तो हम गर्म ठंडे का प्रयोग करते हैं, गर्म से क्या होता है कोई चीज फैलती है, ठंडे से क्या होता है सिकुड़ता है, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, 3 मिनट गर्म दिया, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, अब ये करते हैं तो क्या होता है फ्लो सही हो जाता है, फ्लो सही हो जाता है, दर्द है, पीड़ा है,
स्नायु पीड़ा है, मस्कुलर पेन है, उन सब में बड़ी राहत मिल जाती है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से गर्म ठंडा प्रयोग बहुत सारी चीजों में हम करते हैं। गर्म ठंडा कटी स्नान है, पेट संबंधी समस्त बीमारी को जो है, है? तो गर्म ठंडा कटी स्नान देते हैं, है? लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो इन सब में गर्म ठंडा कटी स्नान बहुत उपयोगी होता है। अल्सर है, आंतों में सूजन है, दर्द है, पीड़ा है, तो हॉट कोल्ड हीप बाथ जो है इसमें काफी लाभकारी होता है, बहुत गुणकारी होता है। तो ये जो है प्राकृतिक चिकित्सा के अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग तरीके हैं जो यहां पर विशेष रूप से काम में लिया जाता है। उसी प्रकार सर्कुलर बाथ, ये सर्कुलर बाथ आप वहां देखेंगे कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सर्कुलर बाथ किस प्रकार का जो है यहां उपयोग, तो उसमें चारों तरफ से जो है लगा हुआ है और बड़े तेजी के साथ उसमें से धारा निकलती है जो शरीर के पैर से लेकर के सिर तक प्रत्येक अंग को जो है स्टिमुलेट करता है, उद्दीपन करता है। और उस स्टिमुलेशन से, एक्टिवेशन से क्या होता है कि जो हमारा स्नायु है, जो हमारा मसल्स है, स्नायु है, वह पुनः जो है प्राणवान हो जाते हैं, बिल्कुल एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक मैटर होता है, जो विजातीय पदार्थ होता है, वो विजातीय पदार्थ भी तेजी से निकलने लग जाता है। क्योंकि मूल हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का लक्ष्य यही है कि शरीर में जो टॉक्सिक मैटर है, विजातीय पदार्थ है, जो टॉक्सिन्स है, उसे निकाल बाहर किया जाए। और जितने भी हमारे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश का जो प्रयोग है, उन सबका एक ही प्रयोजन है कि बिना दवा के, बिना विषैली चीजों के प्रयोग के, शरीर के स्वतः अंदर की शक्ति को जगा करके, जो सो गई है शक्ति, विष निकालने वाली, जहर निकालने वाली, जो हमारी वाइटलिटी है, जो रेजिस्टेंस पावर है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो जो सो गई है उसको जो है एक्टिवेट करके और उस विकार को निकाल बाहर किया जाए। और उसके एक्टिवेशन के लिए हम किसी प्रकार कोई केमिकल काम में नहीं लेते हैं, किसी प्रकार कोई दवा काम में नहीं लेते हैं। पूरा हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में निरापद यानी हार्मलेस जो है ये चिकित्सा पद्धति है। प्रकृति के पंच महाभूतों का जो चिकित्सा पद्धति है बिल्कुल हार्मलेस है, कहीं कोई किसी प्रकार का उसमें जो है कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये इसकी खासियत है। तो सर्कुलर बात है और बहुत सारे बात हमारे हैं जो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है उसका हम उपयोग करते हैं। जो व्हर्लपूल है वो बिल्कुल करीब 5-6 फीट नीचे और उसमें जो है एक समुद्र की लहरों जैसा जो हम लहर पैदा करते हैं और उसमें रोगी रोगी जो है बिल्कुल चारों तरफ घूमता हुआ, तो वो जो है एक प्रकार से यानी शरीर के इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, आपके जो है ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है, नियमित करता है, जो टॉक्सिक मैटर है उसको निकाल बाहर करता है और रोगी जो है बहुत अच्छा महसूस करता है। तो ये हमारी चिकित्सा यानी आनंद भी प्रदान करता है और स्वास्थ्य भी प्रदान करता है और रोगों से मुक्त भी करता है, ये तीनों काम करता है। यानी करने में बहुत अच्छा लगता है, रोग भी धीरे धीरे चला जाता है और बहुत अच्छा स्वास्थ्य की अनुभूति भी होती है। इसके अतिरिक्त तो यहां पर हम जो है सबसे बड़ा जो प्रयोग कर रहे हैं कि यानी जीवन के रूपांतरण के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, क्योंकि हमने कहा कि हर्मिटेज लाइफ स्टाइल, यहां पर जो अतिरिक्त अशांत आत्माएं आती हैं, रोगी आते हैं, वो बड़े दुखी होते हैं, बड़े जो है पीड़ित होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि भाई प्राकृतिक चिकित्सा में गलत आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार, ये मुख्य जो है इसमें जो कारण होता है कि अपने विचार को चेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी हमारी चिकित्सा पद्धतियां तो हैं, मिट्टी की, पानी की, हवा की, इथर आकाश थेरेपी, सूर्य चिकित्सा, अब सूर्य चिकित्सा है, सूर्य चिकित्सा के विषय में, अग्नि चिकित्सा के रूप में, सूर्य चिकित्सा हमारे लिए कितना उपयोगी है, यानी बिना पैसे के इफरात में सूर्य की किरणों का हम प्रयोग करके कितना हम जो है लाभ उठा सकते हैं। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जहां पर सूर्य हमें बहुत इफरात में मिलता है, फिर भी 40-45 साल के बाद प्रायः जो लोग आते हैं उनके शरीर में सूर्य की कमी है, सूर्य के प्रकाश की कमी है। सूर्य के प्रकाश की कमी का अर्थ है कि सनशाइन विटामिन डी जिसको हम बोलते हैं, वो सनशाइन विटामिन डी जो है प्रायः लोगों के अभाव हो रहा है। और उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण हो रहा है हड्डियां जो है हड्डियों में दर्द हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, हड्डियां चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, हड्डियों संबंधी जितनी भी बीमारी है उसमें सूर्य चिकित्सा का अभाव का, सूर्य का अभाव का जो है ना ये परिलक्षित करता है। क्योंकि
सूर्य की किरणों से क्या होता है कि हमारी जो भी हम खाते हैं, जिसमें हम कैल्शियम लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं, जो हड्डियों को निर्माण करने वाले मुख्य तत्व हैं, वो तभी उपयोग हो पाते हैं जब सूर्य चिकित्सा जो है हमारे शरीर में प्रवेश हो। सूर्य स्नान लें, क्यों? कि हमारी जो त्वचा है, त्वचा के ठीक नीचे एक तत्व होता है एर्गोस्ट्रॉल। यह एर्गोस्ट्रॉल जो है, जिसको हम बोलते हैं 7-dihydrocholesterol, 7-dihydrocholesterol जो है सूर्य की किरणों क्या करता है, कैप कर लेता है, पकड़ लेता है, और कैल्शियम की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। यह कोलेकैल्सिफेरॉल, अब इसकी कितनी बड़ी महत्ता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यह हमें इसके लिए कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस सुबह के समय सूर्य में बैठना है, सूर्य में बैठ करके आसन करें, प्राणायाम करें, तो उससे जो है यह हमें लाभ मिल जाता है। कुछ भी नहीं करना है, सूर्य अपने आप हमें यह जो है इफरात में यह शक्ति हमें देता है। तो इसलिए जो है सूर्य स्नान जो है बहुत उपयोगी है। जब भी सूर्य स्नान लें, सिर पर गीला तौलिया अवश्य रखें, 1-2 गिलास पानी अवश्य पी लें, ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। क्योंकि सूर्य हम जब लेते हैं, सूर्य स्नान लेते हैं, तो उस समय प्रेस्पिरेशन की क्रिया तेज हो जाती है, स्वेदन की क्रिया तेज हो जाती है, जो पता नहीं चलता है, फिर भी शरीर से पसीना निकलता रहता है, सूखता रहता है, है? तो इसलिए, क्योंकि वेपोराइजेशन एंड स्वेदन दोनों साथ साथ चलते हैं, तो इसलिए पानी हमें अवश्य पी लेना चाहिए, तब सूर्य स्नान लेना चाहिए। तो सूर्य स्नान हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, जो यानी हमारे खून को भी बढ़ाता है, खून को इस प्रकार से बढ़ाता है कि भाई जो हम जो है आपके RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, जो डोरमेंट स्टेज में है, जो शैथिल अवस्था में है, वह धीरे धीरे सक्रिय हो जाता है, और उसकी सक्रियता से फिर हमारे शरीर में RBC की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सूर्य स्नान हमारे शक्ति को भी, जो हमारा शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, जो सेक्सुअल पावर है, उसे भी बढ़ाता है। ये अद्भुत खोज हुआ है, अद्भुत रिसर्च हुआ है सूर्य स्नान। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो माता पिता बनने वाले हैं, उनको सूर्य स्नान यदि पहले से ही प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट सूर्य स्नान लेते हैं, तो वह ओजस्वी संतान के माता पिता बनते हैं। यह अद्भुत रिसर्च हुआ, अद्भुत खोज हुआ है। और जब यह खोज हुआ, तब हम मुझे तुरंत एक घटना याद आई महाभारत की, कर्ण कौन था, सूर्यपुत्र कर्ण, जो इतना तेजस्वी था, इतना ओजस्वी था। तो वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि सूर्य स्नान लेने से हमारा जो वीर्य है, स्पर्म है, शुक्राणु है, और साथ ही साथ अंडाणु है, वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, उन दोनों के मिलन से जो संतान पैदा होती है वो कर्ण जैसा प्रतापी वीर होती है। तो इसलिए सूर्य स्नान अद्भुत है, अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त सूर्य स्नान लेने से प्रायः इस समय विदेशों में देखा गया है कि सूर्य स्नान कम होने से सूर्य जो है कम मिलता है, धूप स्नान कम मिलता है, धूप कम मिलता है, सूर्य की रोशनी कम मिलती है, तो वहां पर एक बीमारी होती है जिसका नाम है सीजनल इफेक्टिव डिजॉर्डर, सैड, उदासी, डिप्रेशन। उस डिप्रेशन से मुक्ति के लिए सूर्य स्नान बहुत ही कमाल का काम करता है। तो जो लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, एंग्जाइटी से ग्रस्त हैं, जो लोग सिजोफ्रेनिक बिहेवियर, सिजोफ्रेनिया है, मैनिया है, मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस है, इन सारे रोगों में सूर्य स्नान बहुत उपयोगी होता है। ऐसे लोगों को सूर्य स्नान अवश्य लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो इस प्रकार के रोगी होते हैं, डिप्रेशन के, सिजोफ्रेनिया के, कभी प्रकाश में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो अंधेरे में रहते हैं, सिर को नीचे हमेशा झुका करके रहेंगे, बिल्कुल जो है भयभीत से, डरे हुए से, अवसादग्रस्त है, विषादग्रस्त। तो उनको सूर्य स्नान जो है बहुत ही कमाल का, क्योंकि इससे क्या होता है, सूर्य स्नान लेने से हमारे दिमाग में एक खास प्रकार का हैप्पी हार्मोन, जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं, उस सेरोटोनिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जो हमारे अंदर यानी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जो हमें सजगता पैदा करता है, जो डिप्रेशन से मुक्त करता है, जो हमारे अंदर जो है एक नई शक्ति देता है, नया ओज देता है, नई। तो इसलिए जो सूर्य स्नान जो है बहुत बहुत उपयोगी होता है। सूर्य स्नान का जो है हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, और सूर्य स्नान का जैसे हमने बताया कि बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो उसे सूर्य स्नान को जो है
इसके अतिरिक्त ये सीधे सूर्य स्नान को, और सूर्य स्नान जब भी लें तो सिर पर गीला तौलिया रखें, बाएं करवट लेट करके लें, दाहिनी करवट लेट करके लें। और सूर्य स्नान वहां पर और अच्छा होता है जहां पर झील हो, नदी हो, वहां पर सूर्य स्नान का बहुत सुंदर प्रयोग होता है। जैसे यहां पर झील है, झील के जो है, इसीलिए झील, इस झील का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि झील होने से वहां के वातावरण जो ऑक्सीजन और ओजन का जो कंसंट्रेशन है इतना शानदार होता है, इतना अद्भुत होता है, और वहां पर धूप स्नान का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। इसलिए आप देखते हैं कि विदेशों में प्रायः जो है सूर्य स्नान लेने के लिए कहां जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, क्योंकि समुद्र किनारा जो, और उसको जो है हम बोलते हैं आपके हीलियो मेरिनो थेरेपी, यानी सूर्य और समुद्र चिकित्सा। तो ये जिसको जहां समुद्र है तो हीलियो मेरिनो थेरेपी का लाभ उठा सकता है, सूर्य समुद्र का जो है लाभ उठा सकता है चिकित्सा का। तो ये जो है ना बहुत ही अद्भुत प्रयोग है सूर्य का, अग्नि तत्व का, और इस अग्नि तत्व के अभाव के कारण, क्योंकि हम जिंदा हैं अग्नि तत्व के कारण, और ये परमात्मा हमें बहुत प्रचुरता से देता है, अद्भुत देता है। इतना ही नहीं, सूर्य स्नान लेने वाले को, व्यक्ति को भविष्य में महिलाओं को यूट्रस कैंसर से रक्षा करता है, ब्रेस्ट कैंसर से रक्षा करता है, ओवरी कैंसर से रक्षा करता है, पुरुषों को जो है आपके प्रोस्टेट कैंसर से रक्षा करता है, कोलन डक्टल कैंसर से रक्षा होती है। तो सूर्य स्नान कैंसर से भी हमें रक्षा करता है। हाँ, कुछ है तीव्र सूर्य की किरणें, क्योंकि सूर्य स्नान लेना चाहिए तो सुबह के समय लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर में सूर्य की किरणों में जो यूवी है, क्योंकि सूर्य की किरणों में तीन प्रकार की किरणें होती हैं जिनको हम बोलते हैं यूवी ए, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। तो दोपहर के सूर्य किरणों में अल्ट्रा वायलेट ए और बी बड़ा सक्रिय होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस पावर को जो है कमजोर करता है, झुर्रियां पैदा करता है। तो इसलिए जो है यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह के समय सूर्य स्नान हमें लेना चाहिए, सुबह सूर्योदय के तीन चार घंटे तक जो है, चार घंटे पांच घंटे, अभी तो जो है ठंड के मौसम में जो है आराम से 11 बजे के पहले तक ले सकते हैं। तो ये जो है सूर्य स्नान लेने का जो है एक तरीका आपको हमने बताया। और अपने यहां तो विदेशों में तो सूर्य स्नान लेने के लिए क्या करते हैं, संडे के दिन छुट्टी मनाते हैं, ऐ संडे के दिन सब भागते हैं सूर्य स्नान लेने के लिए समुद्र किनारे। और अपने यहां जो है हम भी संडे के दिन छुट्टी मनाते हैं, क्योंकि विदेशियों ने हमें दे दिया कि संडे के दिन छुट्टी मनाओ। खैर, लेकिन इसके पीछे सत्य यही है कि सूर्य का जो है मादर करें, सूर्य चिकित्सा लें। अग्नि तत्व हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिना अग्नि तत्व के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये अग्नि तत्व का जो है, दो तीन बातें मैं और बताना चाहूंगा बहुत सरल प्रयोग जल चिकित्सा के संदर्भ में, कि जल चिकित्सा में कुछ प्रयोग आप सहजता से कर सकते हैं और उसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कहीं भी जल जाता है, कुचल जाता है, आपके जो है चोट लग जाती है, तो उस समय एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत सुंदर तरीका है, राइट्स एंड माइस टेक्निक। कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, टूट जाता है हड्डी, तो उसमें दो काम करना चाहिए, कि उस अंग को राइस यानी रेस्ट देना चाहिए, आइस यानी आइस कंप्रेस, बर्फ की सिकाई करनी चाहिए, बर्फ का सेक करना चाहिए, और उसे अंग को एलिवेशन यानी उठा करके रखो, नीचे की तरफ मत रखो, और माइस यानी उसे मूवमेंट देते रहो, उसे मोटिवेट करते रहो, मूवमेंट देते रहो, मोशन देते रहो, ताकि जैसे हाथ हो गया तो हाथ को मूवमेंट देते रहना चाहिए, उठाकर रखना चाहिए, बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। तो कहीं भी ये ध्यान रखो, कहीं भी चोट लग जाता है, जल जाता है, कुचल जाता है, उस समय ठंडी पट्टी बहुत कमाल के काम करती है। तो ठंडी पट्टी के लिए जो है आपके जो है खूब बर्फ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बर्फ मिलता है तो तौलिया लें, पानी में भिगो दें, और भिगो करके हवा में ऐसे ऐसे झटके, खूब ठंडा हो जाता है, और उसे वहां पर रख दें, लगा दें। जलन जब तक शांत ना हो जाए तब तक ठंडे पानी में उस अंग को डुबा करके रखें, पानी बदलते रहें। तो ये कुछ बड़े सरल तरीके हैं। कहीं भी दर्द होता है गर्म ठंडा सेक कर लें। तो ये जल चिकित्सा के बहुत अद्वितीय अपूर्व प्रयोग है। दर्द हो रहा है सिर दर्द का, तो सिर दर्द का बहुत अच्छा इलाज है, पानी थोड़ा सा पी लीजिए ठंडा, उसे सिर दर्द में बहुत राहत मिल जाती है। ये सब खोजें हैं। प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संस्थान
योग ग्राम, जहां आपको मिलेगी योग एवं आयुर्वेद के साथ पंचकर्म षटकर्म की उच्च स्तरीय सुविधाएं, साथ ही सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, सोनाबाद, ओजोन वाष्प स्नान आदि के साथ होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट। अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित योग ग्राम में आए, प्राकृतिक चिकित्सा से नव जीवन पाए। योग ग्राम में उपचार हेतु संपर्क करें। प्राकृतिक चिकित्सा के सबसे बड़े विश्व स्तरीय संस्थान योग ग्राम में थेरेपिस्टों के लिए 15 जनवरी 2016 से 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। प्रशिक्षण के बाद उत्तीर्ण थेरेपिस्ट को योग ग्राम में अच्छे वेतनमान के साथ सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र में मात्र 125 प्रशिक्षुओं की व्यवस्था है। इच्छुक भाई बहन तुरंत संपर्क करें।